गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो वर्णों वाले शब्द, तीन वर्णों वाले शब्द और चार वर्णों वाले शब्द पढ़ा। आज हम आ की मात्रा लगा के वर्णों पर आ की मात्रा लगाकर शब्द पढ़ेंगे। वर्णों पर आ की मात्रा लगे हुए शब्द पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले क्या उच्चारण करेंगे, आ की मात्रा। जब वर्ण पे आ की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण कैसे किया जाता है ये सबसे पहले पढ़ेंगे। जैसे क में क के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, का। क और आ दोनों को एक साथ बोलना है, का। फिर ख पे आ की मात्रा लगाएंगे तो खा, ख और आ खा। ग पे आ की मात्रा गा, घ पे आ की मात्रा घा। च पे आ की मात्रा चा। इस तरह से एक एक वर्ण को लेकर के उसपे आ की मात्रा लगाते हुए हम लोग उसका पाठ करेंगे। जैसे छ पे आ की मात्रा छा, ज पे आ की मात्रा जा, झ पे आ की मात्रा झा, ट पे आ की मात्रा टा, ठ पे आ की मात्रा ठा, ड पे आ की मात्रा डा, ढ पे आ की मात्रा ढा, त पे आ की मात्रा ता, थ पे आ की मात्रा था, द पे आ की मात्रा दा, ध पे आ की मात्रा धा, न पे आ की मात्रा ना, प पे आ की मात्रा पा, प पे आ की मात्रा पा, ब पे आ की मात्रा बा, भ पे आ की मात्रा भा, म पे आ की मात्रा मा, य के साथ आ की मात्रा या, र पे आ की मात्रा रा, ल पे आ की मात्रा ला, व पे आ की मात्रा वा, श पे आ की मात्रा शा, श पे आ की मात्रा शा, स पे आ की मात्रा सा, ह पे आ की मात्रा हा, छ पे आ की मात्रा छा, त्र पे आ की मात्रा त्रा, ज्ञ पे आ की मात्रा ज्ञा, ड पे आ की मात्रा ढा, ढ पे आ की मात्रा ढा, श्र पे आ की मात्रा श्र। बच्चों, आ की मात्रा हमेशा पाई के रूप में व्यंजन के बाद लगाया जाता है। आ की मात्रा को हमेशा व्यंजन के बाद लगाते हैं, और जब भी हम व्यंजन बोलते हैं तो व्यंजन के साथ जब स्वर कोई आता है, स्वर और व्यंजन आप पहले ही पढ़ चुके हैं, स्वर यानी कि अ से अह तक और व्यंजन यानी कि क से श्र तक। इस तरह से जब व्यंजन हम बोलते हैं तो व्यंजन के साथ जब हम स्वर को लगाते हैं, स्वर को जोड़ते हैं, तो वो मात्रा के रूप में लगाया जाता है। जैसे आ स्वर को हमको क के साथ जोड़ना है तो वो मात्रा के रूप में हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखते हैं हम लोग उसको, मात्रा के रूप में। हम आ स्वर को मात्रा के रूप में लिखेंगे, सीधा आ नहीं लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, आ स्वर को मात्रा के रूप में लिखेंगे और उच्चारण आ का करेंगे। क पे क के साथ आ का उच्चारण का हो जाएगा, क के साथ आ का उच्चारण का, यानी कि स्वर का हमेशा व्यंजन के साथ प्रयोग बाद में मात्रा के रूप में किया जाता है। किसी भी व्यंजन के साथ जब स्वर को लगाते हैं हम तो उसको मात्रा के रूप में लिखते हैं। आज पहला स्वर, दूसरा स्वर आ है जिसको हम मात्रा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ये आ की मात्रा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, ये आ की मात्रा है पाई। इस तरह से एक एक आ की मात्रा लगे हुए अक्षरों को, व्यंजनों को हमने पढ़ा, स्वर लगाए गए हैं, ये व्यंजन है, इनके साथ स्वर जोड़े गए हैं और सभी व्यंजन के साथ स्वर जोड़े गए हैं और उसका उच्चारण हम लोगों ने अभी किया। अब जैसे कि एक एक शब्द लेकर के अभी हम लोगों ने सिर्फ व्यंजन के साथ लगे मात्रा को पढ़ा, व्यंजन के साथ लगे मात्रा को पढ़ा। अब हम उन मात्रा लगे वर्णों को, उन मात्रा लगे वर्णों को शब्दों के रूप में पढ़ेंगे। जैसे म के साथ अ मा, ल के साथ अ ला, माला। म पे
आ की मात्रा और ल पे भी आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा मा ला। उसी तरह से क के साथ आ की मात्रा को जोड़ना फिर न, तो क्या हो जाएगा कान। ज ह पे आ की मात्रा हा ज, जहाज। फिर है त, त पे आ की मात्रा ता, ल, ल पे आ की मात्रा ला ब, ता लाभ। ग म ल पे आ की मात्रा ला, ग म ला गमला। फिर है प पे आ की मात्रा पा ठ, श, श पे आ की मात्रा शा, ल, ल पे आ की मात्रा ला पाठशाला। बच्चों हमेशा मात्रा जो है वो वर्ण के बाद यानी कि व्यंजन के साथ उसके बाद लिखा जाता है। आ की मात्रा पाई के रूप में लिखी जाती है, आ की मात्रा पाई के रूप में लिखी जाती है। और व्यंजन के बाद जब व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ते हैं तो उसके बाद में ही उसको लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है। फिर है आओ पढ़े, पेज नंबर 7, आओ पढ़े, पेज नंबर 7, आओ पढ़े। जैसे का म काम, ध पे आ की मात्रा धा म धाम, प पे आ की मात्रा पा न पान, न के न पे आ की मात्रा ना न नान, र पे आ की मात्रा रा म राम, श पे आ की मात्रा शा म श्याम, क पे आ की मात्रा का, क पे आ की मात्रा का का का, च पे आ की मात्रा चा, च पे आ की मात्रा चा चा चा, म पे आ की मात्रा मा, म पे आ की मात्रा मा मा मा, न पे आ की मात्रा ना, न पे आ की मात्रा ना ना ना, द पे आ की मात्रा दा, द पे आ की मात्रा दा दा दा, प पे आ की मात्रा पा, प पे आ की मात्रा पा पा पा। थ पे आ की मात्रा था, ल थाल, भ पे आ की मात्रा भात, भात, ड पे आ की मात्रा डाल, डाल, द पे आ की मात्रा दाम, दाम, ल पे आ की मात्रा लाख, लाख, न पे आ की मात्रा नान, नान, क पे आ की मात्रा का, ल पे आ की मात्रा ला, काला, ल पे आ की मात्रा ला, ल पे आ की मात्रा ला ला ला, म पे आ की मात्रा मा, ल पे आ की मात्रा ला माला, न पे आ की मात्रा ना, ल पे आ की मात्रा ला नाला, भ पे आ की मात्रा भा, ल पे आ की मात्रा ला भाला, त पे आ की मात्रा ता, ल पे आ की मात्रा ला ताला, अ, न पे आ की मात्रा ना र अनार, अ, आ, अ पे आ की मात्रा हा र आ हा र आहार, अ, च पे आ की मात्रा चा र अचार, च पे आ की मात्रा चा व ल चावल, आ, स पे आ की मात्रा सा र आसार, प, ह पे आ की मात्रा हा ड पहाड़, क पे आ की मात्रा का ज ल काजल, च पे आ की मात्रा चा ल क चालक, ब पे आ की मात्रा बा ल क बालक, प पे आ की मात्रा पा ल क पालक, ज व पे आ की मात्रा वा न जवान, ज ह पे आ की मात्रा हा न जहान, च पे आ की मात्रा चा, ल पे आ की मात्रा ला क चालाक, स पे आ की मात्रा सा, म पे आ की मात्रा मा न
सामान, ज व पे आ की मात्रा, वाहर, जवाहर, ज पे आ की मात्रा, जानवर, जानवर, पाठ, श पे आ की मात्रा, शा, ल पे आ की मात्रा, ला, पाठशाला, उप, प पे आ की मात्रा, हार, उपहार। बच्चों इसी तरह से आप उच्च स्वर में शुद्ध उच्चारण के साथ बोलते जाओगे, बोल बोल करके इसको पढ़ोगे। अभी तक आप लोगों ने वर्णों पे लगा करके मात्रा, आ की मात्रा को वर्ण पे लगे आ की मात्रा पढ़ा, फिर उसके बाद उन मात्राओं को वर्णों पे लगे मात्राओं को जोड़ करके शब्द पढ़ा। अब हम वाक्य पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, वा आ की मात्रा लगे शब्दों से बने वाक्य। जैसे राम, राम आ, राम आ, राधा उठ, ऊठ, उठ, अब तालाब, तालाब पर न हा कर आ, राधा उठ अब तालाब पर नहा कर आ, शरारत मत कर, शरारत मत कर, खाना खा। मात्रा लगे शब्द जो है आप अपने मन में आ की मात्रा लगा करके ऐसी जोड़ जोड़ के पढ़ोगे। जैसे आपने पढ़ा खा, ख पे आ की मात्रा खा, आप मात्रा लगे शब्द को कैसे बोलोगे, सीधा खा बोल दोगे। श या, य पे आ की मात्रा, याम, श्याम, पाठशाला, जा, आ, क पे आ की मात्रा, काश, आकाश, पर, घ, न पे आ की मात्रा, ना, घना, ब पे आ की मात्रा, बादल, बादल, आ, य पे आ की मात्रा, या, आया, बादल, ग, र, ज पे आ की मात्रा, जा, गरजा, जल, जल, बर, स पे आ की मात्रा, सा, बरसा, राजा, का, मामा, आया। इस तरह से आप बोल बोल करके पढ़ोगे बच्चों। ताजा, ताजा, फल, फल, लाया, ताजा, ताजा, फल, लाया, राजा, का, मन, लल, चाया, लल, चाया, रवि, काला, छाता, ला, राम, बाजार, जाकर, टमाटर, व चावल, ला, सपना, खाना, बना, आलस मत कर, माता का कहना मान, नाना का आदर कर, अखबार पढ़, राघव तबला मत बजा, अपना पाठ याद कर। बच्चों ऐसे मात्रा लगे शब्दों से बने वाक्यों को, आ की मात्रा लगे शब्दों से बने वाक्यों को आप एक एक करके शुद्ध उच्चारण के साथ बोल बोल करके पढ़ोगे, जोर से बोल बोल करके पढ़ोगे। अब है आपका अभ्यास, पेज नंबर 8 निकालेंगे। पेज नंबर 8 निकालोगे बच्चों आप लोग, उसमें देखो कि अभ्यास दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। पहला चित्र क्या है बच्चों, बालक का। किसका चित्र है, बालक। तो आप क्या लिखोगे, बालक, बालक। फिर है जहाज, जहाज, जहाज। फिर है चरखा, चरखा। फिर है गमला। फिर बादल, अनार,
फिर आ के मात्रा लगा के शब्द बनाइए। ये बिना मात्रा लगे हुए वर्ण दिए हुए हैं, इसमें सही स्थान पे आ की मात्रा लगा के शब्द बनाना है। आ की मात्रा लगा के इनमें शब्द बनाना है। जैसे रम दिया तो इससे क्या बन जाएगा, राम। र पे आ की मात्रा राम, राम। न पे आ की मात्रा नाम, नाम। र पे आ की मात्रा रा, ज पे आ की मात्रा जा, राजा। प पे आ की मात्रा पाठ, पाठ। न पे आ की मात्रा नाक, नाक। ग पे आ की मात्रा गाय, गाय। फिर द पे आ की मात्रा दान, दान। क पे आ की मात्रा कान, कान। फिर ग पे आ की मात्रा गाजर, गाजर। ब पे आ की मात्रा बा, ज पे आ की मात्रा जा, र, बाजार। च, र, ख पे आ की मात्रा खा, चरखा। फिर है ब, ब पे आ की मात्रा बा, दल, बादल। बच्चों ये अगर ये च लिखा है तो ये चरखा हो जाएगा, नहीं तो क्या है ये, अगर ब है तो बरखा, फिर भी ब र खा हो जाएगा आ की मात्रा, ठीक है। वर्णों को सही क्रम में जोड़कर शब्द बनाइए, वर्णों को सही क्रम में जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे ये आगे पीछे करके लिखा हुआ है, वर्ण सही क्रम में नहीं लिखा हुआ है, इसको सही क्रम में सही तरीके से सजा करके लिखेंगे और शब्द बनाएंगे। सही तरीके से लिख करके इसका शब्द बनाएंगे। जैसे मा सान लिखा है तो क्या जाएगा, सा मा न, सामान। फिर उसी तरह से ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे फिर आपका लिखा है स र त व, तो क्या हो जाएगा व र त, व र सा त, बर सात। फिर अ ना र अनार। फिर क पड़ा कपड़ा। फिर यहाँ पे द लास लिखा हुआ है ना, फिर क्या हो जाएगा स ला द सलाद। फिर सब ला सबला। फिर धनवान धनवान। फिर चावल चावल। बच्चों ये आगे पीछे करके वर्ण लिखे हुए हैं, इन वर्णों को सही तरीके से लिख करके शब्द बनाना है। इन वर्णों को सही क्रम में लिख करके, सही तरीके से लिख करके इनसे शब्द बनाना है। मैंने सभी अभ्यास को यहाँ पे लिख दिया है और इन अभ्यास को आप पहले अपने बुक में लिख लेना बच्चों, पहले इसको अपने बुक में लिख लेना। जैसे एक एक जैसे चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए, फिर उसमें क्या है, बालक है, जहाज है, चरखा है, गमला है, बादल है, अनार है। फिर है आ की मात्रा लगा के शब्द बनाइए। फिर राम नाम, राजा पाठ, नाक गाय, दान कान, गाजर बाजार, चरखा बादल। फिर है सामान बरसात, अनार कपड़ा, सलाद तबला, धनवान और चावल। इस तरह से इन सभी वर्णों को सही क्रम में लगा करके और लिखना है बच्चों आपको, जिससे सही शब्द बन जाए और पूरे अभ्यास को आप आराम से कर सकते हैं। फिर मैं इस बार दोबारा से फ्रेंड्स लोग को अनुरोध कर रही हूँ, फ्रेंड्स लोग से कि आप लोग बच्चों का हेल्प करेंगे थोड़ा सा लिखने में, क्योंकि उन लोगों को दिक्कत होगा लिखने में, वो लोग बार बार पॉज कर करके नहीं लिख पाएंगे इसको। आप थोड़ा सा हेल्प करके उन लोगों को लिखवा दीजिएगा।